welcoming you, my dear students, in e-learning classes of St. Michael's Academy. Yesterday, I have explained a very important theorem, that is angle bisector theorem. This theorem is not given in NCERT, but if you go through the board model question, you'll find some questions of 2 marks that has come from angle bisector. So yesterday I have explained that theorem, and today I am going to take some of your doubts related to angle bisector theorem and also from Thales theorem. Both are from R.S. Agarwal book. Now here the question number 1 is given here. In a triangle ABC, AD bisect angle BAC or A. We have given the value of AB, BD, BC. Then you have to find the value of AC. तो कल जो मैंने थ्योरम आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल. अब हमारे पास बच्चों BC दिया हुआ है 6, तो हम BD को अगर x मान लें, लेट BD is equal to x, so DC is equal to BC minus BD. तो BC हमारा कितना दिया है बच्चों 6, और BD कितना हो जाएगा हमारा x. तब यहां लिखेंगे according to angle bisector theorem, AB upon AC is equal to BD upon DC. अब ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे. AB हमारा क्या हो गया बच्चों? AB हो गया हमारा 5.6. AC हमको फाइंड आउट करना है. BD हो गया हमारा 3.2. BD is given 3.2 और DC हमने फाइंड आउट किया है x के टर्म में, दैट इज इक्वल टू. अच्छा अब यहां देखिए BC माइनस BD, तो हम यहां पर BD का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम BD का वैल्यू यहां लिख सकते हैं 3.2. BD हमारा दिया हुआ है यहां 3.2, तो 6 में से 3.2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.8, that is equal to 0.8, and 5 minus 3, that is equal to 2. तो हम यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे? हमने DC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है यहाँ 2.8. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जगह 32 अपॉन 28, 47 जा 28 and 48 जा 32, that is equal to 8 upon 7. We'll do the cross multiplication. 8AC is equal to 7 into 5.6. So AC is equal to 7 into 5.6 upon 8. 8, 7 ja decimal, that is equal to 7, 7 ja 49, 4.9 centimeter. एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा बहुत जल्दी से. वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ AB, BD, BC होल, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया कि BD का वैल्यू हमारे पास 3.2 दिया है. विद द वैल्यू ऑफ BD एंड BC वी फाइंड द वैल्यू ऑफ DC. DC इज इक्वल टू BC माइनस BD. 6 माइनस 3.2 ये आ गया हमारा 2.8 सेंटीमीटर. अब हमने क्या किया, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अप्लाई किया. कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसको प्रूव भी कर चुके हैं. AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, व्हिच द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टेल्स अस दैट द इंटरनल एंगल बाइसेक्ट द बेस, देन द रेशियो ऑफ द बेस BD अपॉन DC इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. अब इस पर मैंने वैल्यू पुट अप कर दिया और एक ही वैल्यू हमारा अननोन है, AC के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया.
और ये बच्चों बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब एक दूसरा डाउट है वो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन थेल्स थ्योरम। इसमें आपको दिया है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी बीई इज पैरेलल टू बी सी और अलग अलग सेगमेंट के वैल्यू आपको एक्स के टर्म में दिए हुए हैं। देखिए ए डी इज इक्वल टू 4x-3, ये हमारा दे दिया 4x-3। AE is equal to 8x-7, 8x-7. BD is equal to 3x-1, 3x-1, and CE is equal to 5x-3. हमको एक सा वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि हमने थेल्स थ्योरम जो हमारा बेसिक थ्योरम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का पहला, वो थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, तो वी विल यूज दिस द फैक्ट्स और द रिजल्ट ऑफ थेल्स थ्योरम्स टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस DE is parallel to BC in triangle ABC, it is given. तब हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों, AD upon DB is equal to AE upon EC। और मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड मॉडल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, AD का वैल्यू कितना है हमारा 4x-3, डीई का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है बच्चों AD upon BD 3x-1, AE is given 8x-7 and EC is given 5x-3। अब ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए अब स्टैंडर्ड 8 का क्वेश्चन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस हैज कन्वर्ट एज द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इन विच यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x-3 इंटू 5x-3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर is equal to 3x-1 into 8x-7. अभी क्या हो जाएगा, 4, 5 जा 20x square, 4, 3 जा minus 12x, minus plus minus 3, 5 जा 15x and minus minus plus 3, 3 जा 9। एक बार रिवीजन करेंगे, 4, 5 जा 20, 4, 3 जा 12, plus minus 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 plus माइनस 3, 5 जा 15 एंड माइनस माइनस प्लस, यहां भी हमको चार टर्म मिलेंगे, 3, 8 जा 24x2, 3x इंटू माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 21x, माइनस 1 इंटू 8x माइनस 8x एंड माइनस 1 इंटू माइनस 7 दैट इज इक्वल टू प्लस 7। अब इस 20x स्क्वायर को उधर ले गए, 24-20 दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहां माइनस 21 है, माइनस 21 एंड प्लस 12, माइनस 12 गो टू राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा हमारा 11-2, 9x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, सॉरी पहले इधर वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, एक स्टेप और हम पहले सॉल्व करेंगे, 20x स्क्वायर माइनस 12 एंड माइनस 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 27x एंड प्लस 9, 24x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 21 प्लस 8, 29x एंड प्लस 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां जीरो लिख देंगे, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर, ये हो गया इधर आया माइनस 20x स्क्वायर, माइनस 29x, माइनस 27 इधर गया तो प्लस 27x, प्लस 7, प्लस 9 इधर आया तो माइनस 9। अब
implies that 24x square minus 24x square minus 29 plus 27 minus 2x and plus 7 and minus 9 that is equal to minus 2 is equal to 0. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 2 कॉमन ले लेते हैं, x इस ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अभी किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम x का वैल्यू निकाल देंगे, 2 बन जा 2, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से 2x कॉमन लिया हमने, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, अब ये हो जाएगा हमारा इंप्लाइज दैट x माइनस 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये आप सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में सॉल्व किया. तो x का दो वैल्यू आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 1 एंड हियर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. तो इस पर जब हम गौर करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव because we have to AD and DB or AB, these are the distance between A and B or A or D. तो ये minus value हमारा मान्य नहीं है. तो हमारा answer क्या हो जाएगा, हमारा answer x is equal to 1, ये हमारा सही है, ये value नहीं है since distance never in negative. तो समझ गए बच्चों, जो भी क्वेश्चन इसमें मैं बना रहा हूं बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम लोग थेल्स थ्योरम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग यूज कर रहे हैं. तो इसके लिए तैयार रहना है बच्चों. अब फॉलोइंग वीडियोस में मैं आपके और डाउट्स लूंगा एनसीईआरटी बुक से या आरएस अग्रवाल बुक से. मैं बहुत खुश हूं कि बहुत सारे बच्चे आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन बना रहे हैं. आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल में जाना है और प्ले में अपना क्लास सेलेक्ट करना है, तो आपके क्लास 10 के लिस्ट आ जाएंगे और जिस सब्जेक्ट को देखना है आप देखिए. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट एंड फ्री फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. थैंक यू.